श्रीनगर रे एनकाउंटर आतंकवाद विरोध रे बड़ सफलता आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन रो मुख्य गाजी हैदर निहत आईजी विजय कुमार कले सुनिश्चित श्रीनगर जिलार रंगरेत अंचल रे एनकाउंटर एई एनकाउंटर रे आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन रो नूतन मुख्य सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर निहत होइतिबा जणा पडछि काश्मीर आईजी विजय कुमार एक खबर को सुनिश्चित कर सैफुल्ला नामक आतंकवादी कमांडर निहत होइछि एनकाउंटर समय रे सहर उपकंठ रे अन्य जन आतंकवादी को मध्य सुरक्षा कर्मी गिरफ करछन्ते घटना स्थल रे गोली विनिमय शेष होइछि किंतु सर्च ऑपरेशन जारी रहछि बोली सूचना देछन्ते तबे अभियान आतंकवाद विरुद्ध रे एक बड़ सफलता बोली पुलिस कहछि आतंकवादी मानक सह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ रो मिलित दल मध्य रे गोली विनिमय होइतिला रंगतेर रे आतंकवादी मानक उपस्थिति संक्रांत रे निर्दिष्ट सूचना पाइबा परे सुरक्षा कर्मी निजर सर्च ऑपरेशन आरंभ करथिले तबे तलाशी चलतिबा समय रे आत्मगोपन करतिबा आतंकवादी माने प्रथमे गोली चलाइथिले निरापत्ता बल बालटा जवाब देबा परे एनकाउंटर होइथिला घटनास्थलरु गोटी AK-47 गोटी पिस्तल उद्धार करा जाइथिबा जणा पडिछि और बहुत सारे लोग आज चैन की सांस लेंगे जिनको डॉक्टर सैफुल्ला की वजह से जिनके परिवारों में मातम छाया और जिनके परिवार के प्रियजन जो उनको खोने पड़े। मैं इसका लेखा जोखा देख रहा था 2014 से अक्टूबर 14 से जो एक्टिव था लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है बुरहान वानी के साथ काफी लंबा टाइम एक्टिव रहा और इसीलिए जब रियाज नैकू 6 मई को मारा गया इस साल तो उस वक्त इसी पे नजर पड़ी जो सबसे पुरानी विंटेज का टेररिस्ट जहां पर है और ये कमांड लेने से पहले भी बड़ा खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल था इसने बहुत सारे लोगों को बेगुनाह लोगों को मारा उसमें 3 पुलिस वाले हैं जिनको इसने मारा और 2 जब ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एब्रोगेशन के बाद हमले हुए थे तो 2 ट्रक ड्राइवर और उसका कंडक्टर जो है 2 लोग मारे गए थे उसमें भी इसका हाथ था कॉर्डन की कॉर्डन करते ही फायरिंग शुरू हो गया बाद में आर्मी भी ज्वाइन कर ली इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्ला ही है अभी बॉडी हम लोग बाहर निकाले हैं उनके फैमिली को मिला के दिखा देंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा और बता देंगे आप लोगों को ये छोड़िए आप बड़ी बात आप ये मानिए कि HM का चीफ कमांडर है डॉक्टर रियाज नाकू के बाद जो मरने के बाद जो रियाज नाकू जो मारा गया था मई में उसके बाद ये पोस्ट लिया था HM चीफ का ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी की बात है ये सेलिब्रेट कीजिए ना कि यहाँ क्यों आ गया गत मे मास रियाज नायक को निहत होबा परे 31 वर्षीय सैफुल्ला हिजबुल मुजाहिदीन रो मुख्य भाव दायित्व ग्रहण करथिला सैफुल्ला वुहान बानी संगठन रो शेष जीवित आतंकवादी रहिथिला जम्मू और काश्मीर रे मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैफुल्ला को निरापत्ता बल A++ वर्ग आतंकवादी तालिकाभुक्त करथिला तेबे सैफुल्ला रो जणे साथी को जीवंत धरिबार सफल होइछन्ति सुरक्षा कर्मी ए सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि रंगरेत अंचल रे 2-3 जन आतंकवादी आहुरी लुचि रहिथिबार खबर रहिछि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।